पिछले 24 घंटों से मथुरा में बारिश चल रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है, आसपास के इलाकों में भी बारिश हो रही है। ये देखिए कैसे कैसे लोग अपने आवश्यक कार्यों को कर रहे हैं। और बताइए आप कहाँ जा रहे हैं, और ये अभी आप बैटरी वाले रिक्शे वाले भैया से क्या पूछ रहे थे? भाई साहब, मैं अपने बच्चे को एम्स लेके जा रहा हूँ। एम्स? हाँ, दिल्ली दिल्ली लेके जा रहा हूँ। अच्छा। आज का अपॉइंटमेंट है और पूरे रास्ता बंद है, पूरे शहर में पानी भरा हुआ है और कोई नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा, ये यहाँ की व्यवस्था है। अच्छा, तो आप इनसे पूछ रहे थे कि कहाँ से निकल सकते हैं हम? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इनसे पूछ रहा था जो बैटरी वाले रिक्शे वाले हैं। मैंने कहा भैया छोड़ सकते हो क्या, क्योंकि बच्चा मेरा पेशेंट है, बीमार ना हो जाए। हाँ। इस वजह से मैं इनसे पूछ रहा था कि हम एक साथ में तीनों भाई, दोनों भाई और एक बच्चा जा रहा है। हाँ। बच्चा बीच में इसीलिए बिठा लगा। तो कहाँ तक जाना है आपको? हमको तो पहले ये मथुरा जंक्शन पहुँचना है, उसके बाद में दिल्ली जाना है। जी जी, आप के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और आपके मंगलमय हो, नगर निगम वाले मेयर साहब से कहिए कि मंगलमय नालों को साफ कराएं, जो जी कम जी से कम आदमी तमीज से निकल सके। जी मैं जी डीएलए में जॉब करता हूं और ये स्थिति है कि मैं आज अपने जॉब की मैंने छुट्टी कर ली, मेरी सैलरी कटेगी। जी ये समस्याएं हैं यहाँ की। चलिए, और कोई आपको खास दिक्कत आए तो आप कृपया हमें बताइएगा, हम व्यक्तिगत रूप में आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। और आपसे हम पूछ रहे हैं भैया कि आप ये बताइए कि आप शहर भर में कहाँ कहाँ घूम कर आ रहे हैं? नहीं नहीं घूमे, सिवा मौली रोड के। अच्छा, पानी पानी भरा है। अच्छा, कहाँ कहाँ पानी देखा आपने? बजरंग धर्म घाटे पे पानी। हाँ। और बस स्टैंड वाले रोड पर पानी। हाँ। कहीं से निकलने की व्यवस्था ही नहीं हो रही है। तो आप गली कूचों में से होकर निकल रहे हो, देख रहे हो कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए? कोई रास्ता मिल जाए, कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा आपको। तो ये हालात हैं मथुरा के। और मथुरा के अलावा हम आपको बता दें कि आगरा के बारे में भी यह बताया गया है कि बारिश ने इस बार आगरा में 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले तो लोग राहत महसूस कर रहे थे गर्मी से, लेकिन अब वहाँ पर ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हैं कि बाढ़ जैसे दृश्य कई इलाकों में नज़र आ रहे हैं। और मथुरा की तो कहानी आपने अभी सुन ही ली।